हेलो क्लास 11, आपका स्वागत है आपके फिर से आपके ही यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक में। और आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं, मैंने आपको आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बता दिया था। आज का जो टॉपिक हमारा है, डिफरेंस मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए गिवन एटम आर आयंस। ठीक है, ये पढ़ना है। अच्छा, इसके जानने से पहले हम ये लेते हैं, किसी एटम का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो एटम के न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को एक साथ न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और जो सेल होता है, इसके आउटर सेल में ये सर्कुलर बाग जो होता है उसको बोलते हैं सेल। और सेल में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब किसी न्यूट्रल एटम में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, ये सब सेम होते हैं। क्वेश्चन उठता है कि सर न्यूट्रल एटम क्या होता है? तो न्यूट्रल एटम की इसमें जैसे सोडियम हो गया, इसमें कोई चार्ज ना हो तो उसे न्यूट्रल एटम कहते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, कोई चार्ज ना हो तो उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर कुछ भी पता है तो ये तीनों बराबर होंगे। ठीक है, दूसरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मास नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं, और कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मास नंबर को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं सोडियम 11, 23, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों बताना है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? देखिए, सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर कितना है? ये एटॉमिक नंबर, किसी एटम का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दे दीजिएगा। जेड, ये एक्स हो, ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया, ये ए हो गया, मतलब ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, ये इसका मास नंबर होता है, और ये एटम का सिंबल होता है। एटम का सिंबल यहाँ पे, ये इसका एटॉमिक नंबर, ये इसका मास नंबर। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, तो कितना होगा? 11। वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी हो गया। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन उस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके ऊपर होता है? मास नंबर के। मास नंबर कितना दिया? 23। तो 23 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11, कितना हो गया? 12। समझ में आ गया? तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये क्लियर है। एटॉमिक नंबर यहाँ, मास नंबर यहाँ, और एक्स यहाँ। न्यूक्लियॉन्स कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करके निकालते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये तो न्यूट्रल एटम की बात हो गई, अब आइए देखते हैं आयंस में। इन आयंस, आयंस की बात करें तो दो होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। कैटायन आपको पता होगा, कैटायन कैसे बनता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कैसे बनता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। एनायन कैसे बनता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो आपको वैसे ही क्लियर हो गया कि कैटायंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे और एनायंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, हो या नहीं होगा? क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, पहली बात तो ये जानना, पहला है। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस, कहीं क्यों? क्योंकि भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना, तो घटेगा, माइनस चार्ज, जितने का चार्ज है उतना कर देंगे। और तीसरा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वही रहेगा, मास नंबर माइनस क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, वैसे यहां देख लीजिए, यहां पे एटॉमिक नंबर वही सेम चीज यहां भी होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कोई चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। दूसरा, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यही कंफ्यूजन लोगों को होता है, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या? जो चार्ज है, चार्ज को इसमें ऐड कर दी। और तीसरा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो यहां पे जो मार्क करने वाली चीज है वो ये है स्टूडेंट्स, ये इन्हीं दोनों को मार्क कर लीजिएगा, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ध्यान रखिएगा, एनायंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और कैटायंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो ये क्वेश्चन देखते हैं।
अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें, कल मैंने आपको एक टॉपिक बताया था आईसो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आइए उसी पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे 6C-4 7N-3 8O-2 थोड़ा ऊपर बजा रहा है और नीचे लीजिए 6C-4 7N-3 O-2 -9 इसी बात पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जाइए। देखिए ये माइनस चार्ज है, माइनस मतलब एनायन, एनायन में क्या करते हैं चार्ज को ऐड कर देते हैं प्रोटॉन में, तो चार्ज कितना है यहाँ पे चार, 6+4 कितना हो गया 10, या 7+3 कितना हो गया 10, या 8+2 कितना हो गया 10, या 9+1 कितना हो गया 10। लेकिन यही चेंज कर दे मैग्नीशियम में देखिए +2, एल्यूमिनियम में देखिए +3, तो यह नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे प्लस है, तो क्या करते हैं चार्ज को घटा देते हैं, तो 12 में से 2 गया 10, 13 में से 3 गया 10। तो जरा ध्यान से देखिए सब में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या आ रही है, जल्दी बता दी तो सेम आ रही है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती हैं। इस तरीके से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालने आना चाहिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो कुछ क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, वो मैं आपको लगवाता हूँ जो आए हुए हैं पहले से, उनको जैसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका थोड़ा सा चार्ज, थोड़ा सा दिमाग और अप होगा। इस पर क्वेश्चन भी हैं, उनको लगाइएगा, नोट करिए। हो गया, चलिए आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि एक आयन है, ठीक है, क्वेश्चन है, हाँ एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का इंडेक्स का क्वेश्चन है। कह रखा है कि एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर 81 है, एक एलिमेंट है मान लेते हैं एलिमेंट एक्स है, उसका मास नंबर कितना दे रखा है, मास नंबर 81 है, ठीक है। फिर कह रखा है उसमें 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, 31% या नंबर 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्स है, जल्दी बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा। कह रखा है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो कितने हैं, 31.7% मोर न्यूट्रॉन, 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन से 31.7% और ज्यादा है, मतलब प्रोटॉन के बराबर तो है ही है, प्रोटॉन बराबर है तो x प्लस उसका कितना परसेंट और ज्यादा है, 31.7% ज्यादा है, मतलब यहाँ पे 31.7% ऑफ प्रोटॉन। क्या बोला है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो 31.7% ऑफ मोर है, किससे ज्यादा है, न्यूट्रॉन से, तो 31.7% अगर से ज्यादा है तो कितना हो गया, इसको आप लिख सकते हैं x प्लस x इंटू 31.7 अपॉन 100। सो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.317x। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए डियर फ्रेंड, 1.317x, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए x। अब क्वेश्चन क्या पुटअप है, क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रहा है कि असाइन द एटॉमिक सिंबल, आपको एटॉमिक सिंबल बताना है, तो एटॉमिक सिंबल क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है, तो बहुत आसान है। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, आप क्या पढ़े हैं, मास नंबर, तीन चीजें दी हैं उसी को कोरिलेट कर लीजिए, क्योंकि हमको किसी एटॉमिक सिंबल के लिए हमको ये चीजें चाहिए जेड और ए, तो अगर प्रोटॉन मिल जाएगा तो वही जेड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना x, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना 1.31x इज इक्वल टू, मास नंबर कितना है, मास नंबर है 81। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2.317x इज इक्वल टू 81, तो x इज इक्वल टू 81 अपॉन
2.317, इसको एग्जैक्टली वैल्यू सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आ रहा है वो 34.9 आ रहा है। कितना आ रहा है? 34.9, दैट इज 34.9 का मतलब अप्रॉक्स 35। तो 35 आ रहा है, 35 का मतलब किसका होता है जल्दी बताइए? 35 का मतलब होता है ब्रोमीन का। किसका होता है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर मिल गया, मास नंबर पहले से है, तो सिंबल मिल गया कि नहीं मिल गया? समझ में आया क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? वो जनरल वाला भूल जाइए, वो तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला एक क्वेश्चन और लगाता हूँ आपको। ओके नोट, क्या क्वेश्चन था कि एक एटम है जिसका मास नंबर इतना है, उसमें प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन्स है वो प्रोटॉन का 31.7% और ज्यादा है, तो जितना है वो तो रहेंगे रहेंगे, प्लस 31.7% आप प्रोटॉन भी रहेगा, तो ऐड कर दिए, डाल दिए। क्लियर है? नोट कर दीजिए। चलिए अगला एक क्वेश्चन है, ये भी आपके इंटेक्स क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा। कह रखा है कि एक आयन है जिसका मास नंबर 56 है, मास नंबर कितना है भैया? 56। चलिए फिर कह रहा है कि कंटेन्स प्लस 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इस जो एलिमेंट है उसमें कितने का पॉजिटिव चार्ज है? 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फिर कह रखा है एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोला है? 30.1% न्यूट्रॉन्स। तो ये जो एलिमेंट है, जल्दी बताइए भाई, पहली बात मान लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं x है, जल्दी बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए भाई। कैटायन ना अभी फार्मूला पढ़े हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ चार्जेस, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्जेस, ये हो जाएगा x प्लस 3। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन बोला है भैया, न्यूट्रॉन बोला है कि वो इलेक्ट्रॉन का 30.4, ये कितने के बराबर है? ये एक्स तो ही है, प्लस 30.4% ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 30.4 इंटू एक्स अपॉन 100, दैट इज 1.304 एक्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन क्यों मत क्लियर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्लियर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन पुटअप है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं, तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू होता है मास नंबर। पढ़े प्रोटॉन कितना भैया? एक्स प्लस 3। न्यूट्रॉन कितना है? 1.304 एक्स। और मास नंबर कितना है? 56। इसको सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 23। तो x क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो, जल्दी बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 23। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया सर 23 प्लस 3, दैट इज 26। 26 किसका होता है? 26 आयरन का होगा। इस पर कितने का चार्ज है? प्लस 3 का चार्ज है। एटॉमिक सिंबल मिल गया कि नहीं मिल गया? समझ में आया? तो क्वेश्चन थोड़े से घुमाते हैं लेकिन समझने का कॉन्सेप्ट करेंगे तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और इसके बेस एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करिएगा। एक्सरसाइज में देखेंगे तो अप्रॉक्स मुझे लगता है 35, 36, 37 क्वेश्चन नंबर, या 30 से लेकर के 40 के बीच में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट इट।